नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस रूम में। तो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए फिर से न्यू वैकेंसी का वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें यूपी पुलिस में 25,000 होमगार्ड की नियुक्ति होने वाली है, जो कि आप कब से शुरू हो जाएगी, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर ओके जरूर करें और पास में बेल आइकन आएगा फ्रेंड, उस पर भी ओके कर दें, जिससे कि फ्रेंड जो भी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड इस वीडियो को आप पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड हम चलते हैं, इसका जो न्यूज़ आई हुई है वो कहाँ पर आई हुई है, क्या क्या आई हुई है देखिए। तो ये अखबार आप देख सकते हैं, देखिए राज्य ब्यूरो लखनऊ, जो कि देखिए प्रदेश पुलिस को 25,000 होमगार्ड और मिलेंगे, जिसकी देखिए इसमें अनुमति दे दी है। इन होमगार्डों को कानून व्यवस्था में यातायात नियंत्रण में लगाया जाएगा। और देखिए प्रदेश में इस समय लगभग 50,000 होमगार्डों की ड्यूटी लगाई जाती है। पुलिस कर्मियों में रिक्त पदों को देखते हुए और होमगार्ड की मांग की गई थी, जिस पर सचिव गृह भगवान स्वरूप ने 25,000 को ड्यूटी लगाने की अनुमति प्रदान की। जो देखिए पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है, इसमें सशस्त्र होमगार्ड की संख्या 15,352 होगी, बिना शस्त्र वाले होमगार्ड 7,666 होंगे और जिनमें 601 महिलाएं होंगी, और यातायात परीक्षण होमगार्ड की संख्या में 1982 होगी और जिसमें 5 महिलाएं होगी। तो फ्रेंड आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जिसमें 25,000 होमगार्ड है, जिसमें आप भी अप्लाई जरूर करवा सकेंगे। देखिए 25,000 होमगार्ड की भर्ती है। और दोस्तों इसमें ये भी बताया गया है, देखिए इनकी भर्ती के लिए जो दौड़ होगी, जिसके दौरान अभ्यर्थी के पैरों में कंप्यूटराइज चिप लगाई जाएगी, जिसमें देखिए प्रति अभ्यर्थी के 150 रुपये तक खर्च आएगा। और देखिए महाधिवेशक होमगार्ड डॉक्टर सूर्य कुमार का कहना है कि ये वित्त विभाग पत्रावली को इसका पत्र भेज दिया गया है, और इसकी जैसे ही वहाँ से वेरिफिकेशन होता है तो इसमें आपके आगे की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और देखिए इसमें होमगार्ड की लगभग मौजूदा संख्या है जो 95,000 है, देखिए संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो इसमें आपके 25,000 वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों देखिए इसमें जो कि एजुकेशन है, जो देखिए होमगार्ड अभ्यर्थी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी कि आप 10वीं पास इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। और देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 18 से 40 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। और देखिए चयन प्रक्रिया, होमगार्ड भर्ती चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी को लिखित और शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करना होता है, जो राज्य पुलिस के द्वारा आयोजित किया दोनों चरणों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को व्यक्तिगत साक्षरता के लिए बुलाया जाता है, तत्पश्चात चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और देखिए सैलरी है जो कि 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक प्राप्त होगा। और देखिए जब इसकी आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, देखिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट जाएगी, वहाँ पर उचित तब पर क्लिक करें, आवेदन फॉर्म में सभी विवरण अंकित करें, भविष्य में उपयोग हेतु फॉर्म का एक प्रिंट सुरक्षित रख लें, ये आप जरूर ख्याल रखें इन चीज़ों का। और देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस और दिया हुआ है, जो उसमें देखिए राइटिंग टेस्ट होगा, फिजिकली मैचुने टेस्ट, फिजिकली इफेक्टनेस टेस्ट और इंटरव्यू। और देखिए इसकी डेट है जो कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो कि अभी तक इसमें आई नहीं हुई है, वो आएगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो फ्रेंड आपको ये वैकेंसी कैसी लगी, ये वैकेंसी आपके अनुमान से कब तक आ सकती है, कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो को अभी तक लाइक करने के लिए प्लीज़ लाइक कर दें, और इस तरह के और भी न्यू वैकेंसी के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।